तो बीजेपी जीत से गदगद है, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि जो स्ट्राइक रेट रहा वो क्या रहा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का, जिन्होंने हरियाणा के चुनाव में अपना अपना दांव चला और चुनाव प्रचार की कमान संभाली। देखिए अगर बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी की ओर से 4 सीटों पर प्रचार किया गया, जीत इसमें से दर्ज की गई 3 सीटों पर स्ट्राइक रेट रहा 75%। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रचार किया गया 20 सीटों पर, जीत दर्ज हुई 12 सीटों पर, स्ट्राइक रेट रहा 60%। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी की ओर से प्रचार किया गया 20 सीटों पर, जीत दर्ज की गई 6 सीट पर और स्ट्राइक रेट रहा 30%। तो देखिए किस तरीके से यहां पर दिग्गजों ने प्रचार किया, जो स्ट्राइक रेट रहा उनका बताया हमने आपको। तो देखिए हरियाणा में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जलेबी जमकर वायरल हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता जीतने के बाद लड्डू बांटना चाहिए उन्हें, लेकिन वो जलेबी जमकर बंटवा रहे थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोचिए आपको खाने के लिए कोई जलेबी दे और स्वाद से पहले ही पानी पिला दे, सोचिए आपके सामने गर्मा गर्म जलेबियां छन रही हो, आप अपनी बारी का इंतजार ही करते रह जाएं और आपको जलेबियां मिले ही ना। सोचिए आपको कोई गर्मा गर्म जलेबी दे, आप खाने वाले ही हो कि कोई आपके मुंह से ही वो जलेबी छीन ले, या फिर सोचिए आपको कोई बिना चाशनी की ही जलेबी दे दे। ये बात तो होटलों, दावतों और खुशियों में मिलने वाली जलेबी की हुई, लेकिन यही हाल अगर सत्ता की जलेबी का हो तो सोचिए फिर क्या होगा। सत्ता की चाशनी में सनी गर्मा गर्म जलेबी के मुंह तक आकर छिन जाने का दर्द अगर आपको किसी से पूछना हो तो हरियाणा कांग्रेस के किसी भी नेता को रोक कर पूछिए, वो आपको इस दर्द से परिचित करवा देगा। और ये सत्ता की चाशनी युक्त जलेबी जिसके हिस्से आई, अब उससे उसका भी स्वाद सुनिए। ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। जीत के अति आत्मविश्वास वाली जलेबी जो कांग्रेस के दफ्तर में खाली कपड़े से छनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही थी, जलेबियों के स्वाद से पहले ही चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के सिपाहियों को पानी पिला दिया। और हरियाणा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की जलेबी कुछ ऐसी छनी कि लगभग हर कार्यकर्ताओं ने जलेबी से ही अपना मुंह मीठा किया। और यही वादा भी हरियाणा के सीएम ने जनता से बीती सुबह पहले ही कर दिया था। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा। जब मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो, और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती, फिर हम आगे बढ़ाए। गोहाना की जलेबी का वादा करने वाले राहुल का ये बयान हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद कुछ ऐसा छाया कि लोग जीत के लड्डू भूल जीत की जलेबी का स्वाद चखते नजर आए, और इस जलेबी से अब कांग्रेस को मिर्ची लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुशीनगर की, जहां पे उपद्रवियों ने त्योहारों के बीच माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, देखिए उपद्रवियों की तरफ से माना जा रहा है किसी बड़े दंगे की साजिश की फिराक में थे, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं कि भैया एक बार जान बख्श दो बस। यूपी पुलिस सख्त, दंगाइयों के हौसले पस्त, योगी की पुलिस को छू अपराधी बैकफुट। सीएम योगी ने एक बार नहीं कई बार अपने भाषणों में जिस सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र किया है उसका असर पुलिस प्रशासन की कार्रवाइयों में आपको दिखेगा। अपराधियों का मौके पर ही इलाज हो या फिर दंगाइयों पर कड़ा एक्शन, यूपी पुलिस अब बिना देर किए
न्याय कर दी। एक ऐसा ही मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा ले जा रहे श्रद्धालुओं पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। यही नहीं, इस पत्थरबाजी में न सिर्फ कई लोगों को गंभीर चोटें आई बल्कि मां दुर्गा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन शायद ये पत्थरबाज ये भूल गए थे कि वो यूपी में है और यहाँ योगी राज है। पहले की तरह इस बार भी पुलिस ने वही किया जो करती आई है। घटना में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक परेड निकाली, जो इस बात की तस्दीक थी कि यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अभी तक टोटल 33, इसमें 28 अभियुक्त गिरफ्तार और 5 बाल अपचारी अभिरक्षा में लिए गए हैं, और इन 33 लोगों पर अब तक कार्रवाई की गई है, और आगे भी जो भी लोग त्योहारों में विघ्न पहुंचाने का कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। सूबे में योगी जब सत्ता पर काबिज हुए उसका असर निश्चित ही पुलिस की कार्य प्रणाली में दिख रहा है, और अपराध और अपराधियों का निपटारा मौके पर ही होता है, और यही वजह है कि योगी का शासन दूसरे राज्यों के लिए अब नजीर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हरियाणा में हैट्रिक लगा दी है बीजेपी ने, दमदार तरीके से विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचकर जमकर विपक्ष पर हमला भी करते हैं। पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचे और जहां पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी भी करार दिया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के दंगल में बीजेपी ने लठ गाड़ दिए। तमाम एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगाती बीजेपी की जीत बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का दावा और दूसरी तरफ किसानों खिलाड़ियों की मनगढ़ंत नाराजगी, इन सब को पीछे छोड़ बीजेपी ने वो कर दिया जो हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, यानी कि जीत की हैट्रिक। और इस हैट्रिक के बाद वक्त था प्रधानमंत्री के सामने आने और हरियाणा की जनता को धन्यवाद करने का। सूरज ढलते ही हरियाणा में तीसरी बार जीत का सूर्योदय करने के बाद प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे और जनता का धन्यवाद किया। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। गीता की धरती पर सत्य की जीत की आवाज बुलंद करने के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर धोया, यहां तक कि मोदी ने कांग्रेस को परजीवी तक कह डाला। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, नतीजों में भी वही दिखा है। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगों की वजह से जीती है।
प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को ये तक कह दिया कि कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है। जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विकास का वादा भी जनता को दिया। पीएम ने कहा कि आने वाले साल में हरियाणा और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। मैंने विकसित भारत के लिए चार स्तंभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये चार स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं चार धाराओं के, चार स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, क्योंकि चुनावी नतीजों और एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती देख कांग्रेस के तमाम नेता अति आत्मविश्वास में थे और उनके खेमे में तो अंदर खाने मुख्यमंत्री बनने तक के लिए कश्मकश शुरू हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा की जनता को तो कुछ और ही मंजूर था और ये सब कांग्रेस के लिए बस ख्याली पुलाव साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी जीत से गदगद है, लेकिन इस बीच बता दें आपको कि जो स्ट्राइक रेट रहा वो क्या रहा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का, जिन्होंने हरियाणा के चुनाव में अपना अपना दांव चला और चुनाव प्रचार की कमान संभाली। देखिए, अगर बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी की ओर से चार सीटों पर प्रचार किया गया, जीत इसमें से दर्ज की गई। 3 सीटों पर स्ट्राइक रेट रहा 75%। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रचार किया गया, 20 सीटों पर जीत दर्ज हुई, 12 सीटों पर स्ट्राइक रेट रहा 60%। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की, राहुल गांधी की ओर से प्रचार किया गया, 20 सीटों पर जीत दर्ज की गई, 6 सीट पर, और स्ट्राइक रेट रहा 30%। तो देखिए किस तरीके से यहां पर दिग्गजों ने प्रचार किया, जो स्ट्राइक रेट रहा उनका बताया हमने आपको। तो देखिए, हरियाणा में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जलेबी जमकर वायरल हो रही है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता जीतने के बाद लड्डू बांटना चाहिए उन्हें, लेकिन वो जलेबी जमकर बंटवा रहे थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोचिए, आपको खाने के लिए कोई जलेबी दे और स्वाद से पहले ही पानी पिला दे। सोचिए, आपके सामने गर्मा गर्म जलेबियां छन रही हो, आप अपनी बारी का इंतजार ही करते रह जाएं और आपको जलेबियां मिले ही ना। सोचिए,